महाराजगंज जिले में बाढ़ की तबाही से जूझ रहे लोगों के मन में प्रशासन के प्रति आक्रोश व्याप्त है। एक एक कर दरकते बांधों ने प्रशासन की आधी अधूरी तैयारी की पोल खोलकर रख दी है। बाढ़ पूर्व प्रशासन की नजर में सभी बांध दुरुस्त थे, तो पानी का दबाव बढ़ते ही एक एक कर दरकने क्यों लगे। इससे यह पता चलता है कि तैयारियों को लेकर कुछ खास इंतजाम नहीं रहा, यह कहना है वहां के लोगों का। इस मामले में एनडीआरएफ इंस्पेक्टर हेतराम गुर्जर का क्या कहना है, जरा सुनिए। एक कंपनी में दो टीम है, कुल मिला के हमारी एक कंपनी की तीन चार बोटें लगी हैं, यानी कि तीन कंपनियों की हमारी आठ बोटें लगी हुई हैं। और ये पूरा जो भी बाढ़ प्रभावित एरिया है, इसमें जगह जगह पर हमारा डिप्लॉयमेंट है। अभी हाल ही हमें यहाँ पर दो बोटें लगी हैं और मिजरी में दो बोटें लगी हैं। जैसे अभी यहाँ कुछ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोग आए हैं, बता रहे हैं कि यहाँ पे जो बोटें लगाई गई हैं उसमें से दो बोटें खराब चल रही हैं, जिससे आवागमन बाधित हुआ है। लोग आप जा नहीं पा रहे हैं, जो सामग्री यहाँ पे राहत सामग्री है उसको भी भेजने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। इस पर आप क्या करना है? देखो, वो तो मैकेनिकल प्रॉब्लम होती है, हो जाती है, लेकिन हम उसको भी रिपेयर करके और तुरंत हम उसको किसी न किसी रूप से तैयार कर देते हैं। तो ऐसी कोई बाधित हम प्रॉब्लम होने नहीं देते हैं। उसके बाद भी यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी होता है। हम इस तरह से हमारे बंदों को ट्रेंड करते हैं कि वो चप्पू के माध्यम से भी चला के और उस यदि जो भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको फिक्स कर सकते हैं। जैसे मैं सामने राहत सामग्री रखी हुई है, उन लोगों का ये कहना है कि बोट की कमी की वजह से हम लोग राहत सामग्री लेके आए हुए हैं, लेकिन हम वहाँ तक पहुँचा नहीं पा रहे हैं क्योंकि बोट की कमी हो रही है। नहीं नहीं, बोट की कमी नहीं हो रही है। देखो, हर चीज़ सिस्टम से होता है, मतलब ये है कि एकदम से सब कुछ नहीं हो सकता। जितनी कैपेसिटी है उतना ही माल उसमें जा सकता है। तो हम उसको यही बोल रहे हैं कि धीरे धीरे हो जाएगा, जितनी जल्दी हो सकता है डिस्ट्रीब्यूट करके आ रहे हैं बंदे वापस, और जैसे वापस आएंगे तुरंत हम फिर दोबारा से फेंक देंगे। इतना सामान है, सब बटेगा, उसमें कोई ये नहीं होगा कि 19-20 नहीं कर सकता कोई। जितना होगा हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि जितना सामान यहाँ आया है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फूड पैकेट है, बोतल पानी का है, या वैसा कोई सामान है, या किसी को अप डाउन करना है, तो उसमें हमारा पूरा एफर्ट है कि हम पूरी तरह से सहायता करेंगे। क्या लग रहा है, प्रशासन आप लोगों की मदद कर रही है कि नहीं कर रही है? बिल्कुल, प्रशासन अच्छी तरह से हमारे साथ है। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ हमारे को बताया जा रहा है, यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो यहाँ अपनी एक्स्ट्रा रोड लगाइए, तो वहाँ पर हम अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे। प्रशासन के दावों की बात करें तो 711 लीटर पानी का पाउच बांट दिया गया, जबकि सूत्र बताते हैं कि पानी का पाउच कहीं बट ही नहीं रहा है। वहीं स्वयंसेवी संगठनों के लोग आगे आए, जिससे बाढ़ प्रभावितों को कुछ सहायता मिल रही है। पीड़ित लोगों की माने तो प्रशासन की सहायता वहीं तक पहुंच रही है जहां आसानी से पहुंचा जा सके। सुनिए इस मामले में समाज सेवी संतोष का क्या कहना है। ठीक है, वो हम लोग अब चाह रहे हैं कि हम लोग अपना सामान आप लोग खुद अपने हाथ से वहां ला के बांटे और हम लोग को जाने के लिए बोट नहीं है। आपने अधिकारी से इसके विषय में बात किया? बात किया है। अधिकारी ने क्या दो लोग अलाउ कर रहे हैं? दो लोगों का अलाउ कर रहे हैं। जब इतना ज्यादा सामान है, कम से कम चार लोग उसको मिनिमम बना के वहाँ बांटेंगे, जनसंख्या ज्यादा है, दो लोग मैनेज नहीं कर पाए वहाँ पे, कैसे बोलने वाला चाहते हैं। हम लोग को दो लोग अलाउ कर रहे हैं और हमारे सामने दो बोट गई है। एक बोट में विधायक जी का सामान गया है। कौन विधायक? जो यहाँ के सदर की विधायक है। ठीक है, और उनका सामान के साथ जो सामान उसमें चार आदमी गए हैं और उनके एक और बोट गया उनके लिए, विधायक जिसके में सात आदमी गया है, टोटल उसमें 7-8 लोग थे। तो वो दो बोट जा सकती है उनके लिए, हम लोग का इतना सामान है तो हम लोग के लिए दो बोट नहीं जा सकती है। इसको आप क्या मान रहे हैं कि प्रशासन जो व्यवस्था की है वो राजनेताओं के लिए अधिक की है, आम जनता के लिए कम? नहीं की, आम जनता के लिए व्यवस्था नहीं। SPN 9 न्यूज़ के लिए महाराजगंज से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।